फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जो सबसे पहले मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको होम रेमेडी बनाने जा रही हूँ। जो बहुत लोग होते हैं जो पार्लर नहीं जा पाते हैं और वो फेशियल कराना चाहते हैं, तो घर में मैं आपको फेशियल कराने का तरीका बताने जा रही हूँ। तो ये जापानीज व्हाइटनिंग क्रीम है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कि हम आज मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको होम रेमेडी में। चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो ये एकदम केमिकल फ्री है जो घर में बनाने में बताने जा रही हूँ आपको। ये इससे व्हाइटनिंग क्रीम है ये, तो इसमें कोई केमिकल नहीं है और घर का बना हुआ चीज तो हमेशा शुद्ध ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक कटोरा, एक बाउल चावल फूलने के लिए डाल देना है। कोई भी चावल आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो खिचड़ी बनाने का चावल हो या कोई भी, जो भी आपके पास चावल है वो आप 24 घंटा फूलने के लिए छोड़ सकते हैं। तो इसे मैं 24 घंटा फूलने के लिए छोड़ दी थी। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, एक सस्पेन ले लूंगी और उसमें ये चावल को मैं डाल दूंगी। तो जितना मैं चावल ली हूँ, जैसे एक बाउल में चावल ली थी फूलने के लिए डाल दी थी, तो उतना ही मुझे एक कटोरा इसमें पानी लेना है और इसमें मैं डाल दूंगी। तो इसमें क्या करूंगी, मैं इसे हाफ बॉइल करूंगी, हाफ चावल को पकाऊंगी, पूरा नहीं पकाना है। इसे बॉइल करने के लिए थोड़ा देर के लिए छोड़ दूंगी। पानी पूरा सूख गया और आधा बॉईल हो चुका है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें अब मैं ये कच्चा दूध डाल दूंगी। आप चाहे तो बॉईल किया हुआ दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध मैं डाल रही हूं। और अभी मैं और इसे पूरा अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी, इसको पकने के लिए दूध के साथ मैं छोड़ दूंगी। तो अभी पूरी तरह से हो चुका है, इसे क्या करूंगी मैं ठंडाने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए पूरा ठंडा हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे मैं मिक्सी में पीस दूंगी। तो जो कच्चा दूध बचा हुआ था तो इसे मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अब मैं पीस दूंगी। तो ये देखिए, ये मैं इसका पेस्ट बना ली हूँ, एकदम क्रीमी टेक्सचर आया है। तो अब मैं इसमें क्या मिलाऊंगी वो आप लोग देखिए। तो एक चम्मच मैं ग्लिसरीन डाल रही हूँ, एक और चम्मच में डाल दूंगी क्योंकि मेरा ज्यादा है। आपका जितना होगा उसके अनुसार आप ग्लेसिंग डाल दीजिएगा। तो ग्लेसिंग डाल दी मैं। अब मैं देखिए इसमें क्या डालती हूँ। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है, ऐसे तो कोई भी स्टोर में, मेडिकल स्टोर या कोई भी कहीं भी बादाम का तेल मिल जाएगा। तो इसमें मैं बादाम का तेल डाल रही हूँ। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नारियल तेल भी यूज कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, इसमें मिक्स कर दूंगी इसको। तो इसमें मैं अब विटामिन ई का ऑयल डाल रही हूँ, तो चार में डालूंगी। आपके पास जितना है उस अनुसार आप यूज कीजिए। अगर कम है तो आप दो डालिए, ज्यादा है तो चार डालिए। अब विटामिन ई का ऑयल तो ऐसे भी लगाना चाहिए। राइस चावल में एंटीऑक्सीडेंट होता है,
और विटामिन बी होता है, मतलब ब्यूटी होता है। तो चावल तो ऐसे भी हम लोग सर में भी लगा, बालों में भी लगाना चाहिए और चेहरे में भी लगाना चाहिए। इससे बहुत अच्छा स्किन ग्लो होता है। तो आप लोग देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। तो ये देखिए अच्छा तरीके से मिला दी हूँ मैं, और अब एकदम ये बहुत अच्छा, ये आपको चेहरा बहुत अच्छा ग्लो करता है। इसे आप इसे शायद बॉडी को भी नहाने से एक घंटा पहले इसके बॉडी में भी लगा सकते हैं, और बॉडी में लगाने के लिए आप थोड़ा सा इसको लिक्विड भी पतला भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और पानी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं हैंड में अपने हाथों पे लगा के आपको दिखाती हूँ। तो अभी मेरा हाथ देखिए कैसा है, और अभी मैं इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इसे कैसे, इसे अब ऐसे ऐसे अप्लाई करूंगी मैं। इसे आप एक सप्ताह तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। लगाने के बाद आधा घंटा तक आपको वेट करना है, और इसे फिर आप रात में भी लगा के आप सो सकते हैं, और सुबह मॉर्निंग होने के बाद आप वॉश कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या देखिए ऐसे अप्लाई कर दी हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं इसे भी आधा घंटा छोड़ दूंगी। ये देखिए पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, सूख चुका है। तो अब मैं इसे हल्के हाथों से मसाज करूंगी। इसे मैं थोड़ा सा दूध और पानी लेके इसे हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, आप घर में एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो पार्लर नहीं जा पाते हैं, और ये आप सिर्फ इसे एक में एक 15 दिन बस यूज कीजिएगा। 15 दिन यूज करने के बाद आप देखिएगा बहुत चेंजिंग आ जाएगा स्किन। स्किन क्या होता है, हेल्दी होगा और बहुत ग्लो करेगा। क्योंकि जापान में क्या होता है कि लोग जापानीज लोग आप देखिएगा बहुत हेल्दी होता है, उन लोगों का बाल और लोगों का स्किन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग चावल खाते भी हैं और उन लोग बालों में भी लगाते हैं और स्किन में भी लगाते हैं। तो उससे उन लोगों का स्किन देखिए कितना अच्छा होता है। तो एक बार जरूर आप ये रेमेडी यूज कीजिएगा, और 15 दिन इसे लगाकर यूज कीजिए आप, फिर हम मुझे बताइएगा कि ये वर्क किया कि नहीं। लेकिन ये जरूर मैं इससे पूरा ये कर रही हूँ कि ये जरूर आप लोगों फायदा करेगा, और बहुत फायदा करता है ये क्रीम। आप बिना केमिकल का कोई भी, बस घर सबके घर में चावल तो होते ही है, बस हम मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए 100 रुपए में ये घर में आपका रेमेडी तैयार हो जाएगा, और आप घर में अच्छा से अच्छा ग्लो अपने स्किन पे ला सकते हैं। आप इसे बॉडी में भी, जैसे हाथ में, पैर में, गर्दन में भी, पीठ में भी लगा सकते हैं। लगा के आधा शावर लेने के पहले आधा घंटा छोड़ दीजिए, और फिर जाके शावर ले लीजिए, देखिएगा ये जरूर ग्लो करेगा। और चेहरे पे तो आप रात में लगाकर इसे सो जाइए, और सुबह उठ के और आप इसे ठंडे पानी से चेहरा को वॉश कर धो लीजिए, और ऐसे 15 दिन लगातार कीजिए। ऐसे आप एक सप्ताह तक बना के स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, लेकिन रखिएगा क्योंकि बाहर नहीं रखिएगा। और एक सप्ताह जब इसे लगा के चेहरे पे आप इस्तेमाल कीजिए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा आप लोग को। मैं गारंटी दे रही हूँ कि इससे चेहरा स्किन बहुत हेल्दी और बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। स्किन भी इससे बहुत ग्लो करेगा, और बहुत एकदम चमकता हुआ चेहरा स्किन आपको मिलेगा। ये मैं आपको 14 से 15 दिन तक ये सीरीज आपको होम रेमेडी का दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं इसे रेगुलर करूंगी। मैं अभी फिलहाल सोची हूँ कि ये सीरीज में 14 से 15 दिन तक ये रेगुलर ये होम रेडी में आप लोग को एक से एक मैं दूंगी, जो मुझे पर्सनली आता है।
लेकिन मैं कभी अपने पे यूज कभी कभी करती हूँ, कभी नहीं की हूँ, लेकिन आप लोगों को जो भी मैं दूंगी ये घर का रेमेडी रहेगा, ये कोई भी मार्केट का नहीं रहेगा, और जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं बस वही रहेगा बिना केमिकल का। तो ये सीरीज मैं 14 से 15 दिन तक करूंगी, आप लोग को अच्छा लगेगा और आप लोग तो मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगी। और अगर आप देखती हूँ कि अगर आप लोग को मेरा होम रेमेडी देखना है तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को प्यार दीजिए। अब मैं एक से एक रेमेडी घर होम रेमेडी लाऊंगी। देखिए दोनों हाथ में अंतर देखिए, ये हाथ कितना मतलब कि कितना चमक रहा है, ये हाथ देखिए दोनों हाथ में कितना अंतर लग रहा है। ये हाथ अभी से बहुत सॉफ्ट लग रहा है, तो सोच रही मैं 15 दिन लगातार लगाऊंगी तो कितना ग्लो करेगा। दोनों हाथ में अंतर देखिए, ऐसी भी पता चल जा रहा है दोनों हाथ में कितना अंतर है, और बहुत ये हाथ बहुत सॉफ्ट और बहुत सिल्की लग रहा है। और आई होप मेरा आज का रेमेडी आप लोग को अच्छा लगा हो, तो एक बार आप अपने घर में जरूर ये ट्राई कीजिएगा। इसमें मैं फिर से बता दे रही हूँ कि इसमें चावल, एक कटोरी चावल, जो भी चावल आप यूज करते हैं घर में, इसके लिए जरूरी नहीं कि स्पेशल बासमती चावल ही चलेगा, या जो आप चावल खाते हैं, यहाँ तक आपके पास खिचड़ी के लिए छोटी छोटी टुकड़े वाली आती है तो वो भी चावल है, तो वो भी चावल, इसे बस 24 घंटा भिगोने के लिए छोड़ देना है और फिर इसके पानी डाल के इसे हाफ बॉइल करना है, आधा बॉइल करना है। इसके बाद फिर इसे कच्चे दूध में फिर बॉइल करना है, फिर कच्चे दूध में बॉईल करने के बाद अगर पूरे तरह से बॉईल हो जाएगा तो इसे फिर क्या करना है कि इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। जब ठंडा हो जाए तो इसे फिर थोड़ा सा और कच्चा दूध रहे, अगर आपके पास नहीं है तो पानी में भी इसको मिला के आप मिक्सी में पीस दीजिए, पीसने के बाद इसको लिक्विड बना दीजिए, तो ऐसे पीसने के बाद ऐसे लिक्विड बना दीजिए। और इसके बाद इसमें थोड़ा, अगर आप ज्यादा, जैसे मैं ज्यादा थोड़ा सा करके रखी हूँ तो ये इसमें मैं 2 चम्मच बड़ा चम्मच से ग्लिसरीन ली हूँ, 2 स्पून ग्लिसरीन तो कहीं भी मिल जाता है, कोई जनरल शॉप में भी मिल जाता है, मेडिकल स्टोर में भी मिल जाता है। और इसमें अगर आपके बादाम का तेल है तो बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप नारियल तेल भी डाल सकते हैं, और विटामिन ई का टैबलेट जो होता है उसका ऑयल आप इसमें डाल दीजिए और इसको पूरी तरह से मिक्स कर दीजिए। और फिर इसको आप अपने चेहरे पे, अपने हैंड पे, लेग पर, पैर पे, हाथ पे, चेहरे पे, बैक पर, पीठ पर और गर्दन में आप लगा के, शावर लेने से पहले लगा के छोड़ दे, इसके बाद आप आधा घंटा तक रहने दे, इसके बाद जाके शावर ले ले। और चेहरे पे आप रात में भी लगा के छोड़ सकते हैं, और सुबह में ठंडा पानी से आप जाके चेहरे को धो ले। इसे आप यकीन कीजिए कि 15 दिन में आपका चेहरा एकदम हेल्दी, बहुत बहुत ग्लो हो जाएगा और स्किन भी आपका साफ हो जाएगा और व्हाइट, आपका स्किन जो है वो व्हाइट हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। एक बार आप मेरे कहने पे जरूर इसे यूज करें। और मैं सोची हूँ कि मैं 14 से 15 दिन तक मैं होम रेमेडी का सीरीज करूंगी, आप लोग से शेयर करूंगी, और अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूंगी। और उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो आई होप मेरा आज का रेमेडी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलती है आपको एक फ्रेश, एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।